हेलो स्टूडेंट्स, नरेशन का आज हम आप अंतिम पार्ट पढ़ेंगे, ठीक है ना। असर्टिव सेंटेंस, साधारण बात। आज से नरेशन खत्म हो जाएगा, आप लोग अपनी कॉपी पूरी तैयार कर लीजिएगा, ठीक है ना, क्योंकि दोबारा ये चीज नहीं बताया जाएगा। इसका जो बाकी नियम है वो पहले जैसे ही है, यानी डायरेक्ट स्पीच के इन्वर्टेड कॉमा इनडायरेक्ट स्पीच में हट जाएंगे और उनकी जगह दैट का प्रयोग किया जाएगा। दैट जो होता है वो कंजक्शन होता है, दैट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। दूसरा नियम क्या होता है कि यदि रिपोर्टिंग स्पीच में कोई ऑब्जेक्ट है तो से को सेस, से को टेल्स, टेल सेस को टेल्स, सेल को टोल्ड में बदला जाता है, ठीक है ना। तीसरा नियम, यानी इसको हमने फर्स्ट बनाया क्योंकि दो नियम पहले बताए जा चुके हैं। तीसरा अगला नियम क्या होता है कि कैलर भाव के अनुसार सेल टू के स्थान पे रिप्लाई, ठीक है, इन्फॉर्म, रिमार्क, एश्योर, रिमाइंडेड, कंप्लेन का प्रयोग किया जाता है, ठीक है ना। रिप्लाई जवाब देना, इन्फॉर्म सूचित करना, रिमार्क आलोचना करना, एश्योर आशा दिलाना, भरोसा दिलाना, रिमाइंडेड याद करना, याद दिलाना, कंप्लेन शिकायत करना, इनका प्रयोग किया जाता है, ठीक है। अगला है क्या कि यदि रिकॉर्डेड स्पीच के अंदर कोई केस ऑफ एड्रेस यानी संबोधन कारक का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना, तो उसका नरेशन बदलने के में एड्रेस क्रिया का यानी सेट टू के स्थान पे एड्रेस क्रिया का प्रयोग रिपोर्टिंग करने की तरह करेंगे, ठीक है ना। और जो कुछ संबोधन करके कहा गया है उसे या तो ज्यों का त्यों लिख देंगे या फिर उसका सारांश कर देंगे, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए हम लेते हैं कि डायरेक्ट में ही हैज टोल्ड यू आई एम रॉन्ग, ही हैज टोल्ड यू आई एम रॉन्ग। इसका इनडायरेक्ट बनाते हैं, ही हैज टोल्ड यू दैट, ये फर्स्ट पर्सन में है और सब्जेक्ट के अनुसार ही इज एमआर बार बार में चेंज होगा, ही वाज रॉन्ग, ही हैज टोल्ड यू दैट ही बाज नहीं लगेगा इज लगेगा, ही इज रॉन्ग, ठीक है ना। दूसरा है ही विल से The boy was lazy. उसने कहा कि लड़का जो है वो लेजी है, लेजी मतलब सुस्त, कमजोर, ठीक है ना। तो क्या बनेगा, ही विल, यहां पर आप जब नहीं है कोई चेंज नहीं होगा, से दैट द बॉय वाज लेजी, फिर है देखो ही सेड टू मोहन, क्या बनाएंगे, ही टोल्ड मोहन, ठीक है ना, ही सेड मोहन, ही टोल्ड मोहन, आई एम गोइंग अवे टुमारो। यहाँ पे देखो मोहन ही से, उसने मोहन से कहा आई एम गोइंग अवे टुमारो, मैं कल बाहर जा रहा हूँ, दूर जा रहा हूँ। यहाँ पे वो सूचित कर रहा है, जब सूचित कर रहा है तो सेड टू के स्थान पे या टोल्ड के स्थान पे इन रिपोर्टिंग वर्ब का प्रयोग करेंगे, तो क्या बनेगा, सूचित कर रहा है, ही इन्फॉर्म्ड मोहन दैट आई एम गोइंग अवे फ्रॉम टुमारो, प्रेजेंट कंटिन्यूअस का है,
पास्ट कंटिन्यूअस में बदल जाएगा, ठीक है ना, दैट ही वाज गोइंग अवे द नेक्स्ट डे, टुमारो को नेक्स्ट डे में बदलेंगे, ठीक है। द बेगर सेड, सर आई एम स्टार्विंग, बेगर ने भिखारी ने कहा कि श्रीमान जी मैं भूखा हूँ। वो कैसा क्या मांगेगा अपने लिए, खाना मांगेगा, वो निवेदन करके मांगेगा, ठीक है ना। तो लिखेंगे द बेगर, ठीक है ना, द बेगर A double D R E double S E D addressed respectfully told that he was starving, ठीक है। इस तरह से असर्टिव सेंटेंस खत्म होता है, ठीक है। अब चलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस में, अब चलते हैं इंपरेटिव सेंटेंस। इंपरेटिव सेंटेंस मतलब होता है आदेशात्मक वाक्य, ठीक है ना। इसमें जैसे ऑर्डर, रिक्वेस्ट, कमांड या एडवाइस का भाव व्यक्त किया जाता है, और इनका इंडायरेक्ट बनाने के लिए ये नियम है, ठीक है ना, कि इन वाक्यों का, पहला नियम है कि इन वाक्यों का इंडायरेक्ट स्पीच बनाने में रिकॉर्डिंग वर्ब, कमांड, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, आस, बेग, प्रे आदि का प्रयोग किया जाता है। मतलब रिकॉर्डिंग वर्ब में इनका प्रयोग करेंगे। दूसरा है कि यदि निषेध हो, निषेध मतलब नकारात्मक हो, ठीक है ना, क्या हो, नकारात्मक हो, तो फॉरबिड, फॉरबिड मतलब अनुमति देना, या प्रिवेंट, प्रिवेंट मतलब रोकना, इन क्रिया का प्रयोग रिकॉर्डिंग वर्ब के रूप में करेंगे। और इन क्रियाओं का प्रयोग करने पर इंपरेटिव सेंटेंस का नॉट इनडायरेक्ट स्पीच में लुप्त हो जाएगा, मतलब इनडायरेक्ट स्पीच में बनाएंगे तो हट जाएगा, ठीक है। फॉरबिड का प्रयोग करने पर उसके बाद इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव क्या है, ध्यान देंगे, इन्फिनिटिव क्या होता है कि मेन वर्ब के पहले यदि टू का प्रयोग किया जाए तो वो इन्फिनिटिव हो जाता है, ठीक है ना। मेन वर्ब के पहले अगर हम टू का प्रयोग कर दें तो वो इन्फिनिटिव वर्ब बन जाती है। तो फॉरबिड का प्रयोग करने पर उसके बाद इन्फिनिटिव का प्रयोग किया जाता है, और प्रिवेंट क्रिया का प्रयोग करने पर उसके बाद, प्रिवेंट क्रिया का जब प्रयोग करेंगे तो उसके बाद प्रीपोजिशन फॉर्म का प्रयोग करेंगे। ध्यान रखे रहना, फॉरबिड में इन्फिनिटिव का और प्रिवेंट में प्रीपोजिशन फॉर्म का प्रयोग किया जाएगा। तीसरा नियम क्या है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच की मुख्य क्रिया के पहले टू जोड़कर, ठीक है ना, रिपोर्टेड स्पीच की मुख्य क्रिया के पहले टू जोड़कर उसका इनडायरेक्ट बनाते हैं। अगर रिपोर्टेड स्पीच नकारात्मक है तो उसको, उसमें टू को हटाकर नॉट के बाद टू का प्रयोग कर देंगे, ठीक है ना, टू को हटाकर नॉट के बाद टू का प्रयोग करेंगे। चलता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच के आरंभ में लेट हो, ठीक है, रिपोर्टेड स्पीच के आरंभ में लेट का प्रयोग किया गया है, और वो प्रपोजल, प्रपोजल मतलब सुझाव देना, ठीक है, प्रपोजल को व्यक्त करे, तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को प्रपोज टू या सजेस्टेड टू में बदल देते हैं, और लेट को हटाकर उसके स्थान पर शुड का प्रयोग करेंगे। पांचवा है कि यदि लेट का प्रयोग वाक्य में अलाउ, आज्ञा देने, परस्यू, राजी करने आदि के लिए हुआ है तो सेड टू के स्थान पर ऑर्डर्ड या रिक्वेस्टेड लगाते हैं, ठीक है, और इनवर्टेड कॉमास के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे, है ना। सेड टू को टोल या आस्क्ड में भी बदला जाता है, और लेट को टू लेट
या माय बी अलाउड के रूप में लिखा जाएगा, ठीक है ना। जब सेड को टोल या आस्क में बदलेंगे तो लेट को टू लेट या माय बी अलाउड के रूप में लिखेंगे, और जब सेड टू को ऑर्डर या रिक्वेस्ट में बदलेंगे तो इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग करेंगे। क्लियर हुआ? अब छठवां है कि यदि लेट को से कंडीशन या सपोजिशन का अभाव प्रदान हो, इसका कंडीशन या सपोजिशन का अभाव प्रदान हो, स्थिति कंडीशन मानी स्थिति, सपोजिशन मानी कल्पना का अभाव प्रकट हो, तो लेट को हटाकर माइट का प्रयोग करते हैं और रिपोर्टिंग वर्ब सेल को टोल में बदलते हैं तथा इनवर्टेड कॉमास को हटाकर दैट का प्रयोग करेंगे। अब हम एक एक का एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, एग्जाम्पल से समझ में आ जाएगा। एक दो एग्जाम्पल बता देते हैं। देखो पहला एग्जाम्पल है डायरेक्ट में, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स, द टीचर सेड टू स्टूडेंट्स गेट आउट ऑफ द क्लास। यहाँ पे देखो कमांड का प्रयोग किया गया है क्योंकि ये कमांड है, शिक्षक ने छात्र को आदेश दिया, कमांड किया, आदेश दिया, कमांड माने क्या है, आदेश, आदेश देना, गेट आउट ऑफ द क्लास, क्लास से बाहर चले जाओ। तो नियम के अनुसार हम इसका जब बनाएंगे, द टीचर सेड टू के स्थान पे क्या लिखेंगे, क्योंकि आदेश दे रहा है, ऑर्डर स्टूडेंट्स, ठीक है। फिर इसके बाद इनवर्टेड कॉमा के अंदर, इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर इसका प्रयोग करेंगे। नियम क्या कह रहा है कि इन्फिनिटिव वर्ब, मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग करेंगे तो क्या लिखेंगे, टू गेट आउट ऑफ द क्लास, ठीक है ना, मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग करेंगे, ठीक है। दूसरा देखो, द बेगर सेड टू द जेंटलमैन, भिखारी ने जेंटलमैन से कहा, क्या कहा, प्लीज गिव मी अ पाइप, ठीक है ना, कृपया मुझे कुछ पैसा दो। टुकड़ा लिख देते हैं, रोटी का टुकड़ा मांगता है, मांगो, ठीक है ना, कृपया मुझे कुछ टुकड़ा दो। क्या ये क्या कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, रिक्वेस्ट मतलब निवेदन, निवेदन जब करेगा तो क्या बनेगा, द बेगर रिक्वेस्टेड द जेंटलमैन टू गिव हिम अ पाइप, ठीक है।
अगला चाहते हैं द होली बाइबल सेड डू नॉट स्टील, जो पवित्र ग्रंथ बाइबल कहता है ठीक है ना कि चोरी मत करो। तो इसका क्या बनेगा, क्या कहता है कि यदि रिपोर्टेड स्पीच की मुख्य क्रिया के पहले है ना, रिपोर्टेड स्पीच के प्रारंभ में लेट तो इसमें किया गया नहीं है प्रयोग, बारहवीं का प्रयोग किया गया है ना, यदि निषेध है नकारात्मक है ये, देखो रिपोर्टेड स्पीच डू नॉट स्पीच रिकॉर्डेड है तो क्या करेंगे, इनडायरेक्ट स्पीच बनाने के लिए हम फॉरबिड या प्रिवेंट का प्रयोग करेंगे, और जब फॉरबिड का प्रयोग करेंगे तो नॉट इनडायरेक्ट स्पीच में हट जाएगा ठीक है ना, और डू को हटाकर नॉट के बाद टू का प्रयोग करते हैं ठीक है। देखो द होली बाइबल फॉरबिड, द होली बाइबल फॉरबिड, मेन वर्ब के पहले टू का प्रयोग, नॉट टू तो और नॉट को हटा देंगे, टू स्टील फॉरबिड माने मना करना ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल में चलते हैं, सेड देम मैंने उनसे कहा, आई सेड देम लेट अस, आई सेड टू देम लेट अस go to the river for swimming, मैंने उनसे कहा कि नदी में तैरने के लिए चले ठीक है। जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे तो कहा यानी मैं उनको सलाह दूंगा है ना, ऑर्डर तो दे नहीं सकता, सलाह देने के लिए है, क्या बनेगा आई प्रपोज्ड, यदि रिपोर्टिंग स्पीच के आरंभ में लेट का प्रयोग किया गया है और वह प्रपोजल को व्यर्थ करे तो रिपोर्टिंग वर्ब सेड टू को प्रपोज टू है ना या सजेस्टेड टू में बदल देते हैं, तो आई प्रपोज्ड टू देम ठीक, और लेट को हटाकर उसके स्थान पर शुड का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना, दैट बी शुड गो टू the river for
स्लिमिंग, ठीक है। राधा सेड टू द टीचर, राधा ने शिक्षक से कहा, क्या कहा? लेट मी गो होम अर्ली, हमें जल्दी घर जाना चाहिए, ठीक है ना। जब इसका इनडायरेक्ट बनाएंगे, नियम नंबर 5 का चल रहे हैं कि यदि लेट का प्रयोग वाक्य में अलाउ, परसुएड आदि के लिए, यानी राजी करने या आज्ञा देने के लिए किया गया है तो सेड टू के स्थान पर ऑर्डर, ठीक है, या रिक्वेस्ट, ऑर्डर या रिक्वेस्ट लगाते हैं और इनवर्टेड कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ रजनी जो है अपने शिक्षक से क्या कर रही है, निवेदन करेगी। तो राधा सेड टू द टीचर, यानी रिक्वेस्टेड द टीचर, फिर क्या बोला है, और इंटरप्रेट कॉमा के स्थान पर टू का प्रयोग करते हैं, टू, फिर इसके बाद सेड को टोड़े आस्की में बदलेंगे तो फिर वो दूसरा आ जाएगा, टू लेट हर गो होम अर्ली, ठीक है ना। टू लेट हर गो होम, लेट हर गो होम अर्ली, ठीक है। द प्रिंसिपल सेड टू द प्यून, प्रिंसिपल ने चपरासी से कहा, क्या कहा, लेट द बॉयज गो अभी, प्रिंसिपल ने चपरासी से कहा कि बच्चों को, छात्रों को बाहर निकालो, इसका हम इंडायरेक्ट क्या बनाते हैं, दूसरा का प्रयोग ये करते हैं, ऑर्डर या ये करते हैं, टू का प्रयोग, सेल टू को टोल या पास्ट इसमें बदलते हैं, देखना इसको। द प्रिंसिपल इसको सेल टू को इसमें भी बदल सकते हैं, यहाँ पे हो जाएगा द प्रिंसिपल ऑर्डर्ड द प्यून, ठीक है ना। द प्रिंसिपल ऑर्डर द प्यून टू लेट द बॉयज गो अवे, ये भी हो सकता है। दूसरा मैं अब इससे बना रहा हूं, द प्रिंसिपल टोल्ड द प्यून, द प्रिंसिपल टोल्ड द प्यून, तो अब क्या कहा है कि सेड टू को टोल्ड या आस्क्ड में बदला जाता है, लेट को टू लेट या माइट बी अलाउड के रूप में प्रयोग किया जाएगा, ठीक है ना। यदि लेट से कंडीशन या सपोजिशन का भाव हो तो लेट को हटाकर माइट का प्रयोग करते हैं। प्यून दैट द बॉयज लेट को टू लेट या माइट बी अलाउड, माइट बी
माइट बी अलाउड, ठीक है ना, टू लेट या माइट बी अलाउड में प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। टू गो अवे, ठीक है। द प्रिंसिपल टोल्ड द प्यून दैट द बॉय माइट बी अलाउड टू गो अवे। इसका एक और बन सकता था, क्या बन सकता था, द प्रिंसिपल, देखो मैंने बता दिया, द प्रिंसिपल ऑर्डर टू द प्यून, ऑर्डर द प्यून, ठीक है ना, टू लेट द बॉयज गो अवे। अगला नियम है कि यदि लेट से कंडीशन या सपोजिशन का भाव प्रकट हो, ठीक है ना, यदि लेट से कंडीशन या सपोजिशन का भाव प्रकट हो तो लेट को हटाकर माइट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। My mother said to me Even so hard, ठीक है ना, he cannot win a scholarship. My mother said to me, let Ram work even so hard, he cannot win a scholarship. इसमें कंडीशन या सपोजिशन का भाव प्रकट होगा तो लेट को हटाकर माइट का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। क्या लिखेंगे, माई मदर टोल्ड मी दैट, माई मदर टोल्ड मी दैट राम might be work even so hard, even so hard he can't afford me, could not win a scholarship, ठीक है। इस तरह से इंपरेटिव सेंटेंस खत्म होता है, ठीक है ना। अब चलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में, ठीक है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, इसके भी दो तीन नियम है, इसको भी बता देते हैं। और इस नरेशन के अगले बाकी में चलते हैं। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी मतलब होता है विस्मयादिबोधक वाक्य, ठीक है ना। तो पहला इसका नियम यही है कि एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो इंटरजेक्शन वर्ड होंगे, संबोधन या वोकेटिव शब्द इनडायरेक्ट नरेशन में हट जाएंगे, ठीक है ना। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में जो विस्मयादिबोधक वाक्य शब्द, ठीक है, और संबोधन वाचक शब्द है, वोकेटिव है, वो इनडायरेक्ट में हट जाएंगे, ठीक है ना। पहला क्या है, विस्मयादि बोधक और संबोधक, संबोधक मतलब
एक्शन नेक्सस है वो इंटरजेक्शन। संबोधन शब्द इनडायरेक्ट स्पीच में हट जाते हैं। अगला जब हम इनडायरेक्ट स्पीच में आएंगे तो विस्मयादिबोधक और संबोधन शब्द इनडायरेक्ट स्पीच में हटा देंगे, ठीक है ना। दूसरा है एक्सक्लेम और इजाकुलेट। एक्सक्लेम और इजाकुलेट का प्रयोग वर्ब के लिए किया जाता है, ठीक है ना। एक्सक्लेम और इजाकुलेट का प्रयोग वर्ब के लिए करेंगे। तीसरा नियम है रिकॉर्डेड स्पीच में जो मनोविकार, ठीक है ना, जो मनोविकार व्यक्त किया जाता है। मनोविकार मतलब होगा फीलिंग, जो हमारे मन के अंदर से विचार उत्पन्न होगा। उसके लिए उपयुक्त शब्दों का प्रयोग किया जाता है, यानी जो मन में हमारे विकार उत्पन्न होगा उस शब्द का प्रयोग यानी हम उपयुक्त शब्दों के साथ करेंगे। जैसे मान लो कि यदि किसी वाक्य में शोक का प्रयोग किया गया है तो हम क्या प्रयोग करेंगे, शोक मतलब सारू होगा, विध सारू का प्रयोग करेंगे। यदि हम ज्वाय का प्रयोग किया जाएगा तो विध ज्वाय पुरी का प्रयोग करेंगे, या विध ज्वाय का प्रयोग करेंगे, या विध डिलाय पुरी का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उसी प्रकार अन्य विकारों के लिए भी अन्य उपयुक्त शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, ठीक है। जैसे एग्जांपल में हम लेते हैं He said हुर्रा, ठीक है ना। He said हुर्रा, We have a holiday today, ठीक है ना। उसने कहा बड़ी खुशी से, अब यहाँ पे देखो बहुत प्रसन्नता के साथ कह रहा है, क्या कह रहा है कि आज हमें हमारी छुट्टी है ना, प्रसन्नता होकर ये कह रहा है। तो क्या लिखेंगे, क्या बनेगा बताओ। क्या बोला है कि हम जो हमारे मन में मनोविकार होगा उसके हिसाब से हम उस शब्द का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। तो ही एक्सप्लेन विथ जॉयफुली या डिलाइटफुली, ठीक है ना। फर्स्ट पर्सन ही का क्या होगा, ठीक है ना, इसके हिसाब से बनेगा। तो दे वी हैव आ हैड आ हॉलीडे
क्योंकि ये पास्ट प्रेजेंट परफेक्ट में है तो पास्ट परफेक्ट में बदलेगा टुडे का मतलब दैट डे। ठीक है, ही एक्सक्लेम्ड विद जॉयफुली या डिलाइटफुली दैट दे हैड अ हॉलिडे दैट डे। ठीक है, एक आप एग्जांपल और बनाते हैं। राम सेड हाउ हॉरिबल आ स्नेक, कितना भयानक सांप है। राम ने क्या कहा कि कितना भयानक सांप है, तो ये जैसे अचानक देखेंगे आश्चर्य से हो जाएगा, क्या लिखेंगे राम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट। ठीक है ना, राम एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज दैट इट वाज अ वेरी हॉरिबल स्नेक। ठीक है, ही सेड व्हाट अ ग्लोरियस डे, कितना सुहावना मौसम दिन है ना। इसमें क्या होगा कि मतलब अगर क्वेश्चन वाला शब्द आ गया है ना, व्हाट सच, ये सब ये रिमस में बदल जाते हैं। ठीक है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस का नरेशन बनाने में एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के हाउ व्हाट और सच को वेरी या मच में बदल देंगे। ठीक है ना, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में क्रिया ना हो तो अपनी ओर से क्रिया जोड़नी पड़ती है। तो क्या बनेगा, ही जॉयफुली एक्सक्लेम्ड दैट ही जॉयफुली एक्सक्लेम्ड दैट इट वाज अ वेरी ग्लोरियस डे। ठीक है, कैप्टन सेड टू द सोल्जर ब्रावो वेल डन। कैप्टन ने सिपाहियों से कहा ब्रावो वेल डन, बहुत अच्छा तुमने किया। ठीक है, इसका इनडायरेक्ट क्या बनेगा, इसमें उसकी प्रशंसा कर रहा है। ठीक है ना, क्या कर रहा है, प्रशंसा।
द कैप्टन, यहाँ पे सेट जैसा भी किसका प्रयोग करेंगे, एक्वाडेड एक्वाडेड, ठीक है ना, द कैप्टन एक्वाडेड द सोल्जर, द कैप्टन एप्लाइड द सोल्जर एंड एक्सप्लेन दैट, एंड एक्सप्लेन दैट they had done well, ठीक है। तो इस तरह से आज से नरेशन खत्म हुआ, ठीक है। अब हम मंडे से, यानी नेक्स्ट डे से, यानी मंडे से अपनी बुक की ओर चलेंगे, तो सभी लोग बुक खरीद लेंगे, ठीक है।